तो वो खजियार का प्लान ऐसा लग रहा है कैंसिल हो जाएगा। सो गुड मॉर्निंग पीपल, कैसे आप सब आए हो? आप लोगों ने कल का ब्लॉग देख लिया होगा। सो कल हम लोग डलहौजी आ चुके थे। राइट नाउ सुभाष चौक पे है एंड पहले एक्सप्लोर करने वाले हैं यहाँ का चर्च विद सो मेनी गुड पीपल्स। हेलो गाइस, व्हाट्स अप? यो, सो पीछे चर्च है, चर्च एक्सप्लोर करते हैं, लेट्स सी कैसा है। और अरे जी सर, यहाँ पे डलहौजी में ये चर्च है। नीचे सुभाष चौक पे भी चलते हैं तो बहुत ही छोटा सा है, मतलब वो ज्यादा बड़ा नहीं है यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए। बट हाँ, अब सुभाष चौक पे चलते हैं। सुभाष चौक को सुभाष चौक इसलिए होती है, सुभाष जी की मूर्ति है तो वो भी देख के आते हैं। चलो, तो चर्च वाला सीन हमारा कम्प्लीट हो चुका है एंड अब हम लोग सुभाष चौक जो मेन चौक है वहीं पे जा रहे हैं। जैसा कि आपको कहा कि सुभाष जी की मूर्ति लगी है वहाँ पे, चलो वो देख के आते हैं। हमारी फैमिली भी ट्रैवल कर रही है। सर हेलो, हाय। तो कैसा लग रहा है अभी तक? वेदर एंजॉयिंग? चलो ग्रेट। तो जस्ट पीछे आप लोगों को ना गांधी जी की मूर्ति दिखेगी और यहाँ पे कल रात में स्नोफॉल हुआ है तो अभी भी स्नो यहाँ पे आप देख सकते हो। जब भी मतलब मैं दिखाऊंगा अभी आप लोगों को स्नो, बट ओवरऑल काफी अच्छा वेदर हो चुका है। अभी इतनी ठंड नहीं लग रही है, मतलब ठंड है बट इतनी ठंड नहीं है, तो काफी अच्छा वेदर हो चुका है अभी। अच्छी यहाँ पे इतना ही है, डायरेक्टली खजियार में मुलाकात करेंगे। सुभाष चौक आपने देख लिया, गांधी चौक आपने देख लिया, तो डलहौजी में आप यही दो चीजें एक्सप्लोर करोगे एंड द नेक्स्ट स्टॉप विल बी खजियार। खजियार का प्लान ऐसा लग रहा है कैंसिल हो जाएगा, तो ये सभी अब फोटो सेशन कर रहे हैं। खजियार हम यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है, खजियार यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है, लेकिन इतना हैवी स्नो हो रहा है, मतलब क्या पता आप लोग को दिख रहा होगा कि नहीं, लेकिन कैसा लग रहा है अभी? मतलब आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, हम लोग खजियार नहीं जा पाएंगे बिकॉज ऑफ द वेदर, बट लाइव स्नो देखने का अपना अलग मजा है यार। तो बहुत ही प्यारा व्यू लग रहा है। और आप लोग पर्सनली कैसा एंजॉय कर रहे हो? आप लोग हमारे साथ बड़ा खूबसूरत हिमाचल चल रहा है इस बार। हाय हाय हाय, क्या ही तो माहौल है यार। बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी लोगों को यार, खजियार जाना लेकिन ऐसा वेदर, बट ठीक है लोग अभी भी सारे लोग सेटिस्फाइड है।
क्योंकि यार लाइव स्ट्रीम देखने को मिल रहा है। हम भी थोड़ा वेट करते हैं क्या अपडेट देते हैं कि हम पहुंच पाएंगे ऊपर, नहीं पहुंच पाएंगे या कोई और डेस्कटॉप हम कवर करेंगे, कुछ नहीं पता। मैं थोड़ा कार्तिक भाई के साथ कोऑर्डिनेट करता हूं, पता करता हूं करना क्या है हम लोगों को, क्योंकि अभी बहुत टाइम है 5 बजे, क्योंकि हमारी ओवरनाइट जर्नी मनाली के लिए है और अभी हमारे पास ऑलमोस्ट 6 घंटे हैं। तो लेट्स सी वैसे क्या और एक्सप्लोर कर सकते हैं हम लोग। तो आप लोगों को भी अपडेट देता रहता हूँ, मैं भी अपडेट लेके आता हूँ। और यहाँ पे लड़ाई चालू होगी लोगों की, पता नहीं, और मारपीट चालू हो गई है। जो व्यू आप देख रहे हो ये है खटियार। आज से 8 साल पहले यहाँ पे आया था मैं, बनाया उसने 8th क्लास तब, ये मतलब जब मैंने देखा था तब स्नोफॉल नहीं हुआ था, तो पूरा ग्रीनलैंड था। खजियार को बोलते थे मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। अभी आप लोगों ने जब पहले देखा ना यार, जब स्नोफॉल हो रहा था हम लोगों को लिटरली लग रहा था कि यार ठंड बहुत है, फंबल हो रहा है, लिटरली लग रहा था कि शायद से हम लोग खजियार एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे, नहीं देख पाएंगे खूबसूरती। बट फाइनली वी ऑल डिड इट। मतलब जो खूबसूरती है ना यहाँ पे गजब, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। तो यार मतलब एक मोमेंट के लिए मुझे भी बहुत बुरा लग रहा था कि शायद से खजियार एक्सप्लोर ना कर पाए, बट जो एक्साइटमेंट यहाँ पे आके हुई है ना, जो खुशी यहाँ पे आके हुई है मुझे, बिकॉज इट्स बीन 8 ईयर्स आफ्टर दैट आई एम कमिंग टू दिस प्लेस। बहुत ही ब्यूटीफुल सी प्लेस है, तो बहुत ही प्यारी सी जगह है। तो आज का व्लॉग मैं खजियार पे ही एंड कर रहा हूँ, बिकॉज अब मेरी ओवरनाइट जर्नी होने वाली है थ्रू मनाली। तो कल हम मनाली में मिलेंगे डायरेक्ट। सो अगर आप वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दो, नए हो चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। विद दैट लव यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय, मिलते हैं अगले बहुत ज्यादा व्लॉग के अंदर, तब तक के लिए अलविदा।